समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वापी में रिक्शा और टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना, रिक्शा चालक की हुई दर्दनाक मौत। वापी में गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित भारत भाग्य विधाता नाटक को दिखाया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सांसद नटूभाई पटेल को पुनः भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली से मिली टिकट, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दादरा नगर हवेली में शिव शक्ति महिला संगठन द्वारा आयोजित हुआ था होली मिलन कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। वापी थर्ड फेज में रिक्शा की टक्कर टेम्पो से होते हुई दुर्घटना में रिक्शा चालक की घटना स्थल पे ही हुई दर्दनाक मौत। शुक्रवार के रोज वापी JDC के थर्ड फेज में आई इंडस्ट्रियल बॉयलर कंपनी के आगे चार रस्ते के पास से रिक्शा नंबर JJ15AU4415 पसार हो रही थी। उसी दौरान एक तेज गस्ती से आ रहे टेम्पो की टक्कर होते दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में रिक्शा चालक मदन जनार्दन मंडल, उम्र वर्ष 32 साल, निवासी कोचरवा वापी, मूल निवासी बिहार की, घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हुई थी। जबकि रिक्शा में बैठे तीन जितने मुसाफिरों को चोटें आई थी, जिन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया था। दुर्घटना सर्ज कर टेम्पो चालक वाहन लेके फरार हो गया था। घटना के बारे में कुंज बिहारी महादेव प्रसाद, निवासी कोचरवा वापी ने वापी उद्योग नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन को अनोखे तरीके से पेश करते हुए विश्व कक्षा का ड्रामा भारत भाग्य विधाता वापी के VI हॉल में आयोजित किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाने के लिए जा रहा है, उसी के अंतर्गत श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर द्वारा गांधी जी के जीवन पर आधारित भव्य ड्रामा भारत भाग्य विधाता का गुजरात सरकार के सहयोग से गुजरात भर में 150 शो का आयोजन किया गया था, जिसमें वापी चारस्ता स्थित VIA हॉल में भी इस भव्य ड्रामा का आयोजन किया गया था। श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर इस पूर्व श्रीमद राजचंद्र जी और महात्मा गांधी जी के गहन आध्यात्मिक संबंधों पर आधारित विश्व भर में 1060 से ज्यादा नाट्य प्रयोगों द्वारा लाखों प्रेक्षकों के समक्ष योग पुरुष महात्मा के ड्रामा की सफल प्रस्तुति भी दे चुके हैं। क्विट इंडिया मारा आंतरिक जीवन ना घर में त्रण व्यक्तियों नो बहुत मोटो प्रभाव रहो लियो टॉल्स्टॉय હું આ નાટકમાં મહાત્મા ગાંધીનો રોલ પ્લે કરી રહ્યો છું. જેમ કે બધાને ખબર છે, આ 150મી જયંતિ છે મહાત્મા ગાંધીનું. આ 150મું વર્ષ છે અને આખો દેશ આ જયંતિ ઉજવી રહ્યો છે. તો એના પર અમે એક સરસ મજાનું નાટક બનાવ્યું છે, ભારત ભાગ્ય વિધાતા. તો મારી બધાને અપીલ છે, આ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ નાટક છે. બધા આવીને ગાંધીજીના જીવન, એમનું મૂલ્યો, એમના આદર્શો વિશે જાણે અને આ દરેક બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધી બધાને ગમે એવી વાત છે આ. અને ખૂબ જ સુંદર નાટક છે, તો મારી બધાને અપીલ છે કે બધા આવે અને આ નાટકને માણે. જે ઇન્સ્પિરેશન છે એ શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના જે સંસ્થાપક છે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશભાઈ, એમની પ્રેરણાથી આ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે આમનું જે દિગ્દર્શન છે એ રાજેશભાઈ જોશી છે, જે ખૂબ જ પ્રખ્યાત ડિરેક્ટર છે. કોડમંત્ર યુગ પુરુષ જેમને ડિરેક્ટ કર્યું છે. એમના જે લેખક છે એ શ્રી પ્રકાશભાઈ કપાડિયા, એમને ઘણા સંજય લીલા ભંસાલીજીના મૂવીઝ લખ્યા છે. આપણું કાસ્ટ જે 70 લોકોનું કાસ્ટ છે, જે આપણે કદાચ સાંભળ્યું હોય, અને આખું જે ડિરેક્શન એટલું સરસ રીતે કરવામાં આવ્યું છે કે આપણે કહી શકીએ કે આ એક વર્લ્ડ ક્લાસ પ્લે છે. આ નાટકમાં જુવાન ગાંધીથી માંડી એમના જુદા જુદા ઉંમરના પાસાને એમની રજૂઆત કરી રહ્યો છું. અને જે પ્રકારે મિરોલીબેને કહ્યું કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન દ્વારા પ્રસ્તુત થયેલું છે પૂજ્ય ગુરુદેવ રાકેશભાઈના આશીર્વાદથી, જેના અને આ નાટકના લેખક છે પ્રકાશ કાપડિયા અને દિગ્દર્શક છે રાજેશ જોશી. અને પહેલીવાર કદાચ ગુજરાતી રંગભૂમિ ઉપર મારું માનવું છે કે 55 કલાકારોના કાફલા સાથે આ નાટકની રજૂઆત થઈ રહી છે, જે મારું માનવું છે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી કહી શકાય. અને ખૂબ જ યુનિક એક જુદા જ પ્રકારની રજૂઆત છે, અને મને ખાતરી છે કે આ પ્રેક્ષકોને જરૂર ગમશે.
વાપીમાં આનો આજે આ પહેલો શો થયો છે અને ફરી પાછો બીજો શો છે દક્ષિણ ગુજરાતની અમારી આ ટૂર છે જેમાં ધરમપુર વાપી ખંભાત આણંદ અને ખંભાત એવી રીતે અમારા આ ટૂર દરમિયાનના શો છે જે અને બીજી એક ખાસ એ વાત જણાવવાનું કે અમારું આ નાટક ગુજરાતી અને હિન્દી બંને ભાષામાં છે જેના ભારતભરમાં પ્રયોગ થવાના છે. ભાજપા સાંસદ નટુભાઈ પટેલ કો પુનઃ દાદરાનગર હવેલી ભારતીય જનતા પાર્ટી સે મિલા ટિકટ કાર્યકર્તાઓ મેં ખુશી કી લહર. भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची दिनांक 21 मार्च 2019 की शाम को जारी कर दी है. पहली सूची से 20 राज्यों के 184 उम्मीदवारों के नामों को जगह दी गई है जिसमें दादरा नगर हवेली एवं नगर हवेली से नटुभाई कुमानभाई पटेल का नाम भी शामिल है. नटुभाई पटेल को टिकट मिलने से दादरा नगर हवेली के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखाई दिया और देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सिलवासा शहर के पटाखे फोड़कर दिवाली जैसा माहौल मनाया गया. नटुभाई पटेल 2009 से लगातार दो बार लोकसभा चुनाव जीतकर विरोधियों को पटकनी दे चुके हैं. इस बार लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराकर हैट्रिक लगाएंगे ऐसा जानकारों का मानना है. नटुभाई पटेल ने प्रदेशवासियों से कहा कि विपक्ष के लोगों ने भाजपा से टिकट लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था पर वो लोग इसमें सफल नहीं हुए. प्रदेशवासियों को भ्रमित करने के लिए काफी अफवाहें भी उड़ाई गई लेकिन उनका झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया. नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा हम पर किया है हम उस पर खरा उतरेंगे. मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि मेरे को तीजी टर्म लड़ने के लिए टिकट दिया है. हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को तीजी टर्म लड़ने के लिए टिकट दिया. पूरा पार्लियामेंट बोर्ड का आभार मानता हूँ और हमारे दादरा नगर हवेली की जितने भी हमारे भारतीय जनता पे का कार्यकर्ता है और पूरी जनता मेरे साथ में है और जनता का होश उमंग पूरा देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जंगी बहुमत से सीट जीतकर आएगी. और हमने जो चुनाव में आगे जो चुनाव में हमने 2014 से हमारी सरकार है दिल्ली में जो हमने यहाँ जो काम किए हैं दादरा नगर हवेली में मैं 2009 से हूँ ये प्रदेश के अंदर काफ़ी हमने विकास के काम किए हैं और जो हमने विकास के जो काम किए हैं वो काम लेके हम बीच में जाएंगे और जो हम हमारा मैनिफेस्टो बनाएंगे मैनिफेस्टो में जो हम लोग भारत सरकार का मैनिफेस्टो रहेगा पार्टी का और हमारा यहाँ का रहेगा मैनिफेस्टो और वो लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और दादरा नगर हवेली एक अच्छा सिटी बनेगा. और मैं जनता का आभार मानता हूँ जनता का साथ सहयोग से मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से टिकट दिया है तो मैं मानता हूँ यहाँ मेरे सभी कार्यकर्ता के भी मैं आभार मानता हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़े रहे तो एक बड़ा संगठन खड़ा हुआ है और तीसरी टर्म लड़ने के लिए जो मेरे को भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ पार्लियामेंट बोर्ड का आभार मानता हूँ कि मेरे को तीसरी टर्म लड़ने के लिए टिकट दिए है. दादरा नगर हवेली उत्तर भारतीय शिवशक्ति महिला संगठन द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का हुआ था आयोजन. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा स्थित आदिवासी भवन में उत्तर भारतीय शिवशक्ति महिला संगठन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नवशक्ति महिला संगठन की संस्थापिका श्रीमती कलाबेन एम डेलकर उपस्थित रही थी. होली मिलन के इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने उपस्थित होकर भजन कीर्तन किया और नवशक्ति महिला संगठन की संस्थापक कलाबेन डेलकर का फूल गुलदस्ते लेकर स्वागत भी किया. कार्यक्रम के आयोजनकर्ता शिवशक्ति महिला संगठन की अध्यक्ष डिंपल पांडे ने नवशक्ति महिला संगठन की संस्थापिका कलाबेन एम डेलकर का आभार माना और नवशक्ति महिला संगठन की संस्थापिका कलाबेन एम डेलकर ने भी सभी महिलाओं को होली मिलन की शुभकामनाएं दी.
भारतीय समाज से पहली बार शिव शक्ति महिला संगठन का उद्यापन हुआ है, इसका भी 6 महीना हुआ और हमारे उत्तर भारतीय समाज की महिलाओं में बहुत खुशी की लहर है इस चीज़ को लेकर के। तो इसी खुशी में ये प्रथम बार ये होली का त्यौहार आया है जो हम लोग दिल से इस उत्सव को जाहिर कर रहे हैं। जिस आज हमारी महिलाएं देख रही हैं कि उनके एक जरिया होना चाहिए जो एक लेडीज को उत्साह दे, उसके लिए कोई आज तक मिला नहीं था। और हमारे संस्था की संस्थापिका श्रीमती काला बेंडेलकर जो आई हमारे संस्था बनाई, इसके लिए हमारी महिलाएं बहुत खुश है और आज इस होली का उत्सव बहुत दिल से लोग मना रहे हैं। बहुत बहुत हम लोग को प्यार देती हैं, सम्मान करती हैं, उत्तर भारतीय नारी का बहुत इज्जत कदर करती हैं। मैडम के ही देख के आदमी एक बार वो बुलाए नहीं तभी भी थोड़ा मैसेज मिल जाएगा तो हम लोग तुरंत आ जाते हैं। समाचार में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। का सपना होता है एक अपना घर, घर जहां वो सुकून से रह सके। पर अनुचित ड्राइंग के कारण, ठेकेदारों की गलती के कारण या फिर गलत अनुमान से बजट बढ़ जाने के कारण उसे वो नहीं मिल पाता जो वो सोचता है। अपना कीमती समय और रुपया खर्च करने के बाद आखिर उसे मिलती है हताशा। क्या आप परेशान हैं? फिक्र मत कीजिए, हम आपके समस्या का लाए हैं समाधान। जेके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन बिल्ड योर ड्रीम। हम आपको देते हैं आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, 3D एनिमेशन, इंटीरियर सर्विसेज, वो भी आपके बजट में। हम आपके आवश्यकता के हिसाब से करके देते हैं आपके घर का मेकओवर। हमारे डिजाइनर देते हैं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, वो भी डोर टू डोर सर्विस के साथ। अब आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको देते हैं आपकी समस्याओं का हल आपके बजट में, ताकि आप अपना कीमती समय अपने परिवार को दे सके और सुकून से सो सके। वैल्यू एडेड सर्विसेज में हम लाए हैं आपके लिए 3D विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में आप अपना घर देख सकते हैं बनने से पहले।
चाहे एक कमरा हो या पूरा घर, हम आपको करके देते हैं आपके बजट में, वो भी स्मार्ट होम के साथ। पहली बार दमन वापिस सिलवासा में, तो आज ही संपर्क करें 9723040789 पे। संघ प्रदेश दमन ने लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर फिर से भाजपा ने लालू भाई पटेल के नाम की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव 2019 के लिए दमन दीव बैठक के लिए उम्मीदवारों के तौर पर फिर से भाजपा के लालू भाई पटेल के नाम की घोषणा पार्टी ने की थी। चुनाव लड़ने के लिए दमन दीव बैठक से 10 उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी दावेदारी की थी, जबकि पार्टी ने फिर से लालू भाई पटेल की नाम की घोषणा करती ही कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला था। लालू भाई पटेल दमन दीव में 2 टर्म से लोकसभा के चुनाव में विजेता बने हैं, तो अब भाजपा पार्टी 2019 में फिर से उन्हें जीता के हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाने के मूड में होने की चर्चा ने जोर पकड़ा है। और संघ प्रदेश दमन दीव की बैठक पर इस साल कांग्रेस में से कोई मजबूत उम्मीदवार देखने को नहीं मिलते, अभी से ही भाजपा का पलड़ा मजबूत दिखाई रहा होने का राजकीय निरीक्षक बता रहे हैं। पार्टी तहसील के बगवाड़ा गांव में ISL सीजन 1 क्रिकेट मैच का हुआ प्रारंभ, रविवार को खेली जाएगी फाइनल। पार्टी तहसील के बगवाड़ा गांव के पास ISL इमरान नगर सुपर लीग सीजन 1 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 जीतनी टीमों ने हिस्सा लिया था। ये मैच 5 ओवरों की रखी गई थी। मैच के ऑर्गेनाइजर शब्बीर बहमील के बताए अनुसार क्रिकेट में विजेता टीमों को नगद इनाम एवं ट्रॉफी इनायत की जाएगी। फाइनल मैच रविवार के दिन आयोजित होगी, जो कि इस शुभारंभ के अवसर पर मैच देखने के लिए काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। आज से शुरू हुई मैच में वापी की 10 जीतनी टीमों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया था। इस अवसर पर वापी नगर पालिका के विरोध पक्ष के नेता खंडूभाई पटेल, मोहम्मद अली भाई, शब्बीर भाई आदि की उपस्थिति रही थी और उन्होंने क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाया था। अबू सर इस बार इस गेंद को अबू सर ने ड्राइव किया है गेंद के ही पॉइंट के। अभी हमारे ISL की टीम जो है वो जो हमारे मेहमान है उनका सब खलील भाई उनसे कुछ इस बार हवा में है। जी हाँ, ये इमरान नगर सुपर लीग तरफ थी जे आ टूर्नामेंट नु आयोजन करवामां आवेल छे ए खरेखर समाज ने एकता अने समाज ने संदेश आपवा मांगे छे के क्रिकेट रमाडीने अने इमरान नगर थी माडीने दरेक जातिना टीम के दरेक जातिना लोको जोई सके के खरेखर एकता नु स्वरूप आ लोको आपे छे। ए दरेक दर वर्षे आ क्रिकेट नु आयोजन थाय छे अने अहीं दरेक वडीलो जे सहयोग एवो के मतलब छोकरा लोगों ने घणो सहयोग आपीने आ क्रिकेट नु टूर्नामेंट आयोजन करी रह्या छे। इमरान नगर थी आ टूर्नामेंट रमाड़ी छे अमे लोको अने ए रमाड़वानो हेतु प्रत्ये ए ज छे के हिंदू मुसलमान जे भी भाई छे बधा अमे मळीने बधा आ क्रिकेट रमीए छे अने बधा सहकार थी अने एनाथी तालमेल मळी रहे अने कई भी कोई तकलीफ आवे तो ए माटे बधा साथे उभा रहीए ए माटे आ मेच अमे बे दिवस रमाड़ीए छे। पहले दिवसे 8 मैच रमे छे अने बीजे दिवसे 8 मैच रमे छे। जेपी पार्डीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ था आयोजन। पार्टी के जेपी पार्डीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के मैदान पर वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत आंतर कॉलेज AC और BD जॉन कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट की शुरुआत मेहमानों के हाथों दीप प्रज्वलित कर की गई थी। इस अवसर पर पार्टी एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख हेमंत भाई जी देसाई, कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपाल प्राध्यापक KB परमार और स्टूडेंट्स काउंसिल के उपाध्यक्ष प्राध्यापिका वर्षाबेन देसाई उपस्थित रहे थे। आंतर कॉलेज AC जोन में फाइनल राउंड में MTB आर्ट्स कॉलेज सूरत विजेता हुई थी, तो रनर अप टीम CJ पटेल कॉमर्स कॉलेज बरियाव की रही थी, जबकि BD जोन में श्री CP चौहान आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज व्यारा विजेता हुई थी और रनर अप गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज आहवा बनी थी। सभी कॉलेजों को कॉलेज के इंचार्ज आचार्य प्राध्यापक KB परमार, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार M टंडेल के हाथों ट्रॉफी भी दी गई थी।
बाद में दोनों जोन की कुल 8 जीतनी टीमों के बीच आंतर जोन कबड्डी स्पर्धा आयोजित हुई थी, जिसमें विनर व दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी की विविध कॉलेजों में से आए हुए शिक्षकों ने रेफरी की फरज बजाई थी। सभी स्पर्धाओं का आयोजन कॉलेज के शारीरिक शिक्षण के प्राध्यापक और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार एम टंडेल ने किया था। दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत संचालित आंतर कॉलेज बीडी जोन एसी जोन भाइयों की कबड्डी टूर्नामेंट तेमज आ टूर्नामेंट में जे 4-8 टीम आवशे तेनी इंटर जोनल टूर्नामेंट आयोजन आज रोज गई काल थी आ टूर्नामेंट थी लेने आज रोज इंटर जोनल पण चालू थी गई है। तो आ टूर्नामेंट आयोजन जेपी पाड़ीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कर रही है। बीडी जोन अंदर चैम्पियन थी चौहान आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वियारा अने रनर्सअप थी है गवर्मेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज आवा अने बीजू के एसी जोन नी अंदर पण एमटीबी आर्ट्स कॉलेज विनर थी है अने सीजे पटेल कॉमर्स कॉलेज वरियाव ते रनर्सअप थी है अने अत्यारे इंटर जोनल नी आ मैच शुरू थी गई है। समाचारों के अंत में आई नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में रिक्शा और टेम्पो के बीच हुई दुर्घटना, रिक्शा चालक की हुई दर्दनाक मौत। वापी में गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित भारत भाग्य विधाता नाटक को दिखाया गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सांसद नटूभाई पटेल को पुनः भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली से मिली टिकट, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दादरा नगर हवेली में शिव शक्ति महिला संगठन द्वारा आयोजित हुआ था होली मिलन कार्यक्रम। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़ के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।